हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में कुकिंग विद पुष्पा। तो जितने भी लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज मैं बाटा मछली का पतला झोल आलू और बैंगन देके बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाटा मछली को अच्छी तरह से धो ली। धोने के बाद मैं हल्दी और नमक देके अलग से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने आलू और बैंगन को लंबा लंबा कट कर लिया है और एक टमाटर भी डाली हूँ। और एक तरफ अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाई हूँ और प्याज तो नहीं डाल रही क्योंकि पतला झोल करूँगी। उसके बाद में मैंने अच्छी तरह से मछली को फ्राई कर लिया है। करने के बाद इसी तेल में आलू और बैंगन को भी हल्का से फ्राई कर ली हूँ ताकि वो पकने वक्त टूटे ना। उसके बाद में जो तेल बचा हुआ था उसमें मैंने फ़ौरन डाल दिया, 5 फ़ौरन, और जितने भी मसाले थे उसको अच्छी तरह से पका ली। अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा का पाउडर और हल्दी डाली। डालने के बाद में मसाला जब पक गया, पकने के बाद आलू और बैंगन जो था उसको डाल के 5 मिनट तक पकाए क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद में जब आलू अच्छी तरह से पक गया है और बैंगन देखिए इस तरह से, तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दी। डालने के बाद में जब पानी बॉईल होने लगा तो 2 हरा मिर्च भी डाली हूँ काट के। जब पानी बॉईल होने लगा तो जितनी भी मछलियाँ थी मछलियाँ को डाल के 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबाला। उबालने के बाद में देखिए अच्छी तरह से पक गया है, मेरी मछली तैयार हो गया है, एक मछली कड़ी। थैंक यू, बाय बाय।